हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। देखिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आपकी जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। आप SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक करोगे तो आपको वहां पे दिखा देगा, लिंक दिखा देगा कि भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो फॉर्म है वो ऑनलाइन हो चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉर्म को आपको किस तरीके से भरना है, क्योंकि मौका एक बार मिलता है। कभी ये गलती मत कर देना कि गलत भर दिया और फिर बाद में पछताते फिरो, क्योंकि अगर गलत भर दोगे तो फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट। ये बात याद रखना, कोई करेक्शन नहीं होगी उसके बाद में, तो सिर्फ आपको पछतावा होगा। तो अपना ध्यान रख के पहले ही उसको देख लो कि भाई किस तरीके से फॉर्म भरना है। मैं सारे के सारे पॉइंट आपके क्लियर करने वाला हूं, ऐसा एक भी पॉइंट नहीं बचेगा जो मैं छोड़ रहा हूं। बिल्कुल आसान तरीके से आपको पॉइंट समझाने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप के, भी आपके फायदे की बात है। ज्यादा जल्दी है तो 2x करके देख सकते हैं, लेकिन वीडियो को जरूर देखना। एक भी पॉइंट मिस करोगे तो आपका ही घाटा है, ये बात याद रखना। सारे पॉइंट मैंने लिख लिए हैं, कम से कम 1 घंटे इसके ऊपर लगाया है, तो आपका आप ही के लिए लगाया है। तो सबसे पहले आपको मैं एक एक पॉइंट, आप अपना जो PDF है उसको खोल लो, आप दिल्ली उसके SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ और उस नोटिस को खोल लो। एक एक पॉइंट आपको पढ़ेगी और समझा रहा हूं बिल्कुल। सबसे पहले मैं समझाता हूं, सबसे पहला पॉइंट है आपके जो फॉर्म है वो आज से ऑनलाइन हो गए हैं, 1/9 से ऑनलाइन आपके हो गए हैं और 30/9 तक आपके ये फॉर्म चलेंगे। मतलब 30/9 तक आपके ये फॉर्म चलेंगे, आप 30 तारीख से पहले पहले इन फॉर्म को भर लेना। लेकिन जल्दी मत करना कि आप अभी इस फॉर्म को भरने लग जाओ, ठीक है? थोड़ा समय देना, 2-4 दिन के बाद में भर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आपके अगर कागज पूरे हो जाते हैं तो आप भर लेना कभी भी, लेकिन सारे बातों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो इसका पॉइंट दिया गया है कि भाई 1/1 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो गए और 30 तक चलेंगे। दूसरा पॉइंट है कि जो इसका एग्जाम है वो दिसंबर में एक्सपेक्टेड है, कि दिसंबर में हो जाए, दिसंबर में हो सकता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, मतलब आगे हो सकता है, पीछे तो होने का नहीं है, ठीक है? तो दिसंबर आप मान के चलो कि आपका एग्जाम है वो दिसंबर में होने वाला है। अगला पॉइंट, आपकी वैकेंसी कितनी है? मेल कैंडिडेट की कुल वैकेंसी है दोस्तों 4453 मेल कैंडिडेट, उसके साथ में मेल जो एक्स सर्विस मैन है उसकी 266, इसी प्रकार से फीमेल कैंडिडेट की 2491 वैकेंसी है और एक्स सर्विस मैन फीमेल कैंडिडेट की 337, तो कुल मिला के वैकेंसी हो जाती है 7547, 7547 आपकी वैकेंसी है, ठीक है? सारे पॉइंट आप ध्यान से सुनते जाना। आगे बात करता हूं पॉइंट नंबर 5, आप इस PDF में देखोगे कि भाई इसमें एज कितनी दी गई है। आप जो छूट की बात कर रहे थे वो इसमें छूट नहीं दी गई है। अगर किसी बच्चे को भाई देखो अगर कोई होता है तो जरूर कोशिश करेंगे छूट की भी, लेकिन इसमें ऐसा कोई छूट का प्रावधान अभी नहीं दिया गया है। एज क्या दी गई है दोस्तों, जो जनरल कैंडिडेट है उसकी एज दी गई 18 से 25, कब तक? 1/7/2023 तक, मतलब 1 जुलाई तक आपकी काउंट होगी, ठीक है? 1/7/2023 तक आपकी एज काउंट होगी। अब जो बच्चा है वो 2/7/1998 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए उसका, मतलब 2/7/1998 का हो सकता है लेकिन उससे पहले का नहीं होगा, और उसके बाद 1/7/2005 के बाद का नहीं होगा। 1/7/2005 का हो सकता है लेकिन उसके बाद का नहीं होगा, ये बात याद रख लो। उसके बाद में 3 साल छूट दी गई है ओबीसी के कैंडिडेट को, तो 28 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो जो ओबीसी का कैंडिडेट है। SC ST के लिए 5 साल की छूट दी गई है, तो आप 30 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो SC और ST का कैंडिडेट, ठीक है? अगर किसी के पास नेशनल का सर्टिफिकेट है जिसने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया हो नेशनल लेवल पे, उसको भी 5 साल की छूट दी गई है, ठीक है? अगला पॉइंट मैं पढ़ता हूं कि भाई पॉइंट नंबर 6.3, आप देखते रहना अपना, सारे इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, उसके अलावा आपको पढ़ने की मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है। अगला जो दिया गया है ओबीसी का सर्टिफिकेट जो होगा वो सेंटर के लेवल का होगा, गवर्नमेंट ऑफ NCT, आप याद रख लो, जो आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट होगा वो सेंटर लेवल का होगा, और जो सर्टिफिकेट होगा वो कब तक का हो सकता है वो ये बात भी ध्यान रख लो, ये 30/9/2023 से पहले पहले का होना चाहिए। मेरा मतलब कि आप जब फॉर्म भर रहे हो ना उस तारीख से, मतलब जो आपकी फॉर्म की लास्ट डेट है उस तारीख से पहले पहले का होना चाहिए। तो जिसने भी नहीं बनवाया वो अभी भी बनवा लो, आपका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट ऑफ NCT मतलब आपका जो सेंटर का होगा। इसी प्रकार से EWS वाले भी ध्यान रख लो, अपना जो EWS का सर्टिफिकेट आपको बनवाना है वो 30/9 से पहले पहले का होना चाहिए। आगे बात करता हूँ क्वालिफिकेशन की, पॉइंट नंबर 7 में, तो आपकी जो 12वीं है या उसके बराबर में कोई डिप्लोमा है तो आपकी वो क्वालिफिकेशन इसमें दी गई है, ठीक है? अगला बात करता हूं कि दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए लाइसेंस कब तक होना चाहिए, ठीक
ठीक है, इसमें दिया गया है कि आपका जो लाइसेंस है वो लाइट होना चाहिए, लर्निंग लाइसेंस आपका मान्य नहीं होगा। सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। मेल कैंडिडेट के लिए लाइसेंस होगा, वो भी कब तक होगा? आपका जो पीई और जो आपका फिजिकल की डेट है, जब आपको बुलाएंगे उससे पहले का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए और वो आपका होना चाहिए लाइट, लर्निंग नहीं चलेगा। आगे बात करता हूं पॉइंट नंबर 7.7, एनसीसी के कैंडिडेट जो है वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप सी सर्टिफिकेट है तो 5% मिलेंगे, बी है तो 3, और ए सर्टिफिकेट आपको 2% नंबर आपको मिलेंगे, मतलब आपको रिजर्वेशन मिलेगा इतने नंबर का। लेकिन ये आपकी जो होनी चाहिए, जो फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए एनसीसी का, फॉर्म की लास्ट डेट से। लेकिन ये आपका चेक करेंगे जब आप फिजिकल के लिए जाओगे तब। आगे बात करता हूं, अगर किसी के पास में 7.8 जो वो है आपका पॉइंट, उसमें बात करता हूं डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी के पास है राष्ट्रीय सुरक्षा यूनिवर्सिटी के तहत, तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा, वो आप फॉर्म में देख सकते हो। अब बात करता हूं कि भाई अप्लाई किस तरीके से, फॉर्म किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, वो बातें आप सुन लो, ध्यान रख लो। सबसे पहला आपकी जो फोटो की साइज है वो बिल्कुल ध्यान में रखनी है आपको, जो फोटो की साइज फॉर्म में दी गई है बिल्कुल आप ध्यान में रखो, उसी के हिसाब से आपको फोटो बनवानी है। फोटो है वो फॉर्म के मतलब आज की तारीख से 3 महीने पुराने नहीं होने चाहिए, मतलब आप ताजा खिंचवा के फोटो ही आपको अपलोड करनी है, बाकी आप छोड़ो कहानी खत्म, ठीक है। अगर आपकी फोटो सही से अपलोड नहीं हुई या पुरानी फोटो है या ब्लर फोटो है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पिछले भर्ते में भी बहुत सारे बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हुए, तो बिल्कुल इस पॉइंट को बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, कहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। अगले बात करता हूं दोस्तों, उसके बाद में आपके दिए गए हैं पॉइंट नंबर 11 में आपके एग्जाम सेंटर्स। आपके एग्जाम सेंटर आपके अलग अलग रीजन दिए गए हैं, आप जिस भी रीजन में पढ़ते हो वहां पे आप तीन जगह आप चूज कर सकते हो कि मेरे को यहां एग्जाम देना है, 3 सेंटर आप चूज कर सकते हो। आगे बात करते हैं कि आपका बेस्ड किस तरीके का आपका एग्जाम होगा, तो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि भाई 12.4 में, पॉइंट नंबर 12.4 कितने क्वेश्चन होंगे, कितने नंबर के आएंगे, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के आएंगे, जिसमें पार्ट ए में होंगे जीके और करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, फिर आएगी रीजनिंग 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, फिर आएगी मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के, और कंप्यूटर आएगा 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। इस प्रकार से आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं और 100 नंबर के आएंगे, ठीक है। और इसमें इसके साथ और बता देता हूं कि इसमें 0.25 मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है। अब बात करते हैं सर पढ़े कहां से, मैं आपको बता देता हूं कि इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस में आगे बात करूंगा, लेकिन क्या पढ़े, और इस टाइम आपका ऐसा टाइम आ चुका है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी, जल्दी जल्दी में भी गलत करके आगे तो आपके नंबर घट जाएंगे। अब मैं बात करता हूं कि आपको किस कहां से प्रैक्टिस सेट लगाओगे, आप ऑनलाइन भी किसी प्लेटफॉर्म से लगा सकते हो, ऑफलाइन भी किसी से लगा सकते हो, मैं आपको बता देता हूं। रीजनिंग किसी की वीक है तो रीजनिंग की जो आपकी इसमें 86 किरण पब्लिकेशन की बुक है, 86 सेट दिए गए हैं, इसमें आप रीजनिंग यहां से लगा सकते हो आपकी रीजनिंग में, इसमें साथ में सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं, आपके सॉल्यूशन भी इसमें दिए गए हैं, ठीक है। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप लगा सकते हो। आगे बात करता हूं इसमें प्रैक्टिस सेट की बात करता हूं, तो चलो मैं आपको, ये सोल्ड पेपर दिए गए हैं, 38 सोल्ड पेपर हैं, और बिल्कुल आपको जीके के 50 क्वेश्चन है, कंप्यूटर के 10 है, मैथमेटिक्स के 15 है, और रीजनिंग में 25, आपको बिल्कुल इसी हिसाब से सोल्ड पेपर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस के जो पुराने सोल्ड पेपर हैं वो दिए गए हैं कि जो आपका जो एग्जाम का पैटर्न जो अब आने वाला है उसी पैटर्न के हिसाब से आप दिए गए हैं। ये बुक आप मंगवा सकते हो, आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो, ऑफलाइन मंगवा सकते हो, ऑनलाइन मंगवाना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से भी मंगवा, जहां से आपका दिल करे मंगवा सकते हो, किरण पब्लिकेशन की किताब है, सोल्ड पेपर दिए गए हैं। इसी प्रकार से ये सामान्य अध्ययन की भी किताब है, सामान्य ज्ञान की भी है, तो अलग अलग प्रकार से इसमें बताया गया है कि भाई आपको किस तरीके से प्रैक्टिस सेट लगाना है, आप कहीं से भी लगा सकते हो, ये हम आपके लिए बेस्ट रिकमेंड करता हूं, क्योंकि आपको एक बार लगा के जाना चाहिए एग्जाम से पहले। आगे मैं बात करता हूं कि इसका सिलेबस क्या है, 12.8 में इसका सिलेबस दिया गया है जो मैंने आपको बताया। अब उस सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीजें इन किताबों में दी गई है, और जो आपका जो पीडीएफ है उसमें पढ़ सकते हो कि क्या क्या पॉइंट आपको पढ़ना है।
आगे बात करता हूं कि भाई 12.11 जो आपका पॉइंट नंबर है 12.11 उसमें बात करता हूं कि आपका फिजिकल मेल कैंडिडेट के लिए जो 30 साल तक है उसका 1600 मीटर 6 मिनट में 14 फुट लॉन्ग जंप है और 3.39 आपका हाई जंप है। हाइट है वो 170 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर की छूट एससी कैंडिडेट को है और जो हील एरिया से कैंडिडेट है उनको है। बाकी चेस्ट आपकी 81 सेंटीमीटर से 85 फुलानी है, मतलब 4 सेंटीमीटर आपको फुलानी है। इसी प्रकार से फीमेल कैंडिडेट की बात करूं, जिन लड़कियों की एज 30 साल तक है उनको 8 मिनट में 1600 मीटर रेस करनी है, लॉन्ग जंप करना है 10 फीट का, हाई जंप करना है 3 फीट का। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरा इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां पे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और जो ये बुक है, ये बुक मैं दो लोगों को सेंड करने वाला हूं, दो लोगों को मैं कोरियर करवा दूंगा ये बुक, जो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, जो इंस्टाग्राम पे अपने उसमें मेरी स्टोरी लगाएगा। कैंडिडेट की हाइट है वो 157 सेंटीमीटर, जिसमें 2 सेंटीमीटर की छूट दी गई है एससी और एसटी कैंडिडेट को। आगे बात करता हूं मेडिकल की, तो मेडिकल में आपकी जो आई विजन है वो 6/12 तक होना है, 6/12 तक आपका विजन होना चाहिए। टैटू चलेगा अगर थोड़ा बहुत है। उसके बाद में आता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ये आपको जब बुलाया जाएगा तब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा, तब तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। और जो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, जितनी वैकेंसी है उसके 12 गुना कैंडिडेट को आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो ये थे मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुझे नहीं लगता कि अब कुछ पॉइंट बाकी बचे हैं। अब काम है आपका जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं उस तरीके से पूरे कर लेना है, फॉर्म भरते टाइम को गलती नहीं करनी है, जितने भी पॉइंट दिए गए समझना है उसके बाद ही भरना है, जल्दी नहीं करनी है। किसी को समझना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकता है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे मैसेज करके मेरे को पूछ सकता है, मैं उसको जरूर हेल्प करूंगा। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।